आज जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं उस पर आपसे बातचीत करने के लिए हम आपके सामने आए हैं, और मैं हिमाचल कांग्रेस का प्रभारी भी हूँ। उस दृश्य से जो हिमाचल प्रदेश का आज का रिजल्ट है वो बहुत ही कांग्रेस के लिए सकारात्मक रिजल्ट है, पॉजिटिव रिजल्ट है। हम चार के चारों उपचुनाव जीते, जिसमें तीन विधानसभा और एक लोकसभा है। लोकसभा चुनाव में जीतने का मतलब खासतौर से बीजेपी का सिटिंग एमपी था वहाँ से, और मुख्यमंत्री का गृह जिला, गृह जनपद, वहाँ से जीतने का मतलब है कि केंद्र सरकार के खिलाफ भी लोगों ने वोट दिया। और तीनों विधानसभा जो है वो राज्य सरकार के खिलाफ वोट मैं मानता हूँ, और उसमें एक जगह तो बीजेपी की जमानत जब्त हुई है बीजेपी के कैंडिडेट की। तो इस तरह से रिजल्ट बहुत सी उत्साहवर्धक हैं, और मैं समझता हूँ कि जनता का रुख बदल रहा है। हम राजस्थान में भी दोनों उपचुनाव जीते हैं, और इसी तरह कर्नाटक में जो मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, होम डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जीती है। तो हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, बहुत मायने रखते हैं रिजल्ट, और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है। और इन सारी जगह इस तरह से भाजपा हारना ये दर्शाता है कि लोगों में भाजपा की लोकप्रियता बहुत गिर गई है। हिमाचल प्रदेश में अगर पिछले लोकसभा चुनाव के हम निकालें नतीजे, तो 70% वोट शेयर भाजपा को गया था। आज वो 70% वोट शेयर तो कांग्रेस ने कवर किया ही, और उसके ऊपर जीत दर्ज किया। तो समझिए कि कितना लोगों का रुख भाजपा के खिलाफ हो गया। और हमारे जो वहाँ मुद्दे थे उनको जनता ने सराहा और उसी आधार पर वोट दिया, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों का मुद्दा हो, चाहे खाने पीने की चीज़ों के महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आम जनता की तकलीफें हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे किसान और बागवान, वहाँ बागवान रहते हैं, उनका मुद्दा हो। और मुझे लगता है कि पूरे देश में इस तरह का संदेश जा रहा। अमूमन होता क्या, उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी होती, रूलिंग पार्टी होती, उसका वर्चस्व रहता, वही जीतती थी, क्योंकि सारी ताकत लगा देती है, जन धन बल सरकार सत्ता सबका उसका लगा देती है, और उसके बाद वो उस इलेक्शन को जीतती है। लेकिन यहाँ पर विपक्ष में रहती हुई कांग्रेस ने जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में जीत दर्ज कराई है, कर्नाटक में जीत दर्ज कराई है, ये निश्चित रूप से ये दिखाता है कि लोगों का रुख भाजपा के प्रति बदल रहा है, भाजपा के विरुद्ध लोग हो रहे हैं, खिलाफ हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए उनकी पसंद बढ़ रही है। और बाकी जगह भी देखिए आप, बंगाल में भी कहाँ भाजपा जीत पाई। तो ये सब चीज़ें जो है ये दर्शाती हैं कि भाजपा के प्रति लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये मुझे लगता है सतत यह प्रक्रिया चलने वाली है। और बहुत जल्दी जो है हिमाचल में तो परिवर्तन होगा ही, क्योंकि अगले साल अक्टूबर नवंबर में वहाँ पे जो है चुनाव हैं, आम चुनाव विधानसभा के, हम निश्चित रूप से वहाँ जीत दर्ज करेंगे, और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनाने का मन जनता ने बना लिया है, ये मेरा कहना है।